नियुक्ति गोपनीय पुलिस के द्वारा रखी गई है। संचालक ने पुलिस को बताया कि छात्रा ने हॉस्टल खाली करने से पहले अपनी माँ से बात करवाई थी, माँ के कहने पर ही उसे हॉस्टल से जाने दिया गया था। तो ये बड़ी जानकारी इस अपहरण केस में सामने आई है। जिस हॉस्टल में कुछ दिन के लिए रुकी थी छात्रा, उस हॉस्टल को खाली करने से पहले उसने अपनी माँ से बात करवाई थी, लेकिन क्या जिस महिला से बात करवाई थी वो छात्रा की माँ ही थी, ये पुलिस को कंफर्म करना होगा। झूठा किडनैपिंग केस है ये, लगातार इस मामले में तलाश की जा रही है। छात्रा के कोटा आने से 6 महीने पहले यहाँ से इंदौर वापस जाने की प्लानिंग, और पुलिस को हॉस्टल की जानकारी लग गई, लेकिन इसे गोपनीय रखा गया है। छात्रा का मोबाइल अभी बंद है, लेकिन अलग अलग जगहों पर जो इनकी लोकेशन सामने आ रही है सीसीटीवी फुटेज के जरिए, पुलिस अपनी पड़ताल कर रही है। इधर शाजापुर में किसानों ने हंगामा किया है, गेहूं खरीदी केंद्रों पर जमकर हंगामा किया गया। यहां पर गेहूं रिजेक्ट कर दिया गया था, उसकी वजह से किसान भड़क गए, सड़क पर चक्का जाम किसानों ने किया है। अभयपुर, रथभंवर, सुंदरसी, ये जो खरीदी केंद्र है यहां पर हंगामा हुआ है। मौके पर एसडीएम और तहसीलदार पहुंचे हुए हैं, किसानों को समझाइश दी जा रही है। शाजापुर का ये पूरा मामला, गेहूं खरीदी केंद्रों पर हंगामा। गेहूं खरीदी बंद हो जाने के बाद किसानों ने हंगामा शुरू किया है। एक खरीदी केंद्र पर हम मौजूद है जहां पर सुबह से खरीदी नहीं हो पाई है, और अधिकारी लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मांग किसानों की है? किसानों की मांग है जो हमारा गेहूं है वो अभी दिलवाया जाए, टोल चालू करवाया जाए। अधिकारी कहते हैं कि इसमें मुआवजा ही हम मांगेंगे इनसे, और हम गेहूँ हमारा नहीं तोलेंगे, हम रोड पे उतरेंगे और हम हंगामा करेंगे। किसानों का कहना था कि खराब क्वालिटी लेकिन को बताकर उनका गेहूं खरीदे नहीं जा रहा है, और अब इसके बाद किसानों ने हंगामा शुरू किया, और आप देख सकते हैं किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली बाहर खरीदी केंद्रों से ले जा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि गेहूं रिजेक्ट किया जाता है तो वह सभी लोग अपना गेहूं लेकर खरीदी केंद्र से बाहर चले जाएंगे। कुछ देर पहले चक्का जाम के हालात बने थे, अभयपुर के अलावा रणथंभौर और जिले की कई तमाम खरीदी केंद्रों पर इसी तरीके के हालात है, जहाँ पर किसान गेहूँ खरीदी न होने को लेकर आक्रोशित है, और अधिकारी लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील हंचूरिया, न्यूज 18, द प्लेस। और सुनील हंचूरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, कोई बीच का रास्ता निकला, समझाइश किसी काम की आई? जी, खरीदी केंद्र जहाँ की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाई है कुछ देर पहले, वहां पर फिलहाल खरीदी शुरू हो गई है। वहां पर एसडीएम तहसीलदार पहुंचे थे, और काफी मशक्कत के बाद वो किसानों को अपनी बात समझा पाए। किसानों का कहना था कि अगर वाकई प्राकृतिक आपदा से गेहूं खराब हुआ तो उस गेहूं को मुआवजा मिलना था, और अगर मुआवजा नहीं मिला तो फिर उसे खरीदा जाना चाहिए था। तो किसानों का कहना था कि उनकी मेहनत इस तरीके से बेकार नहीं जानी चाहिए। तो अधिकारियों के आश्वासन के बाद फिलहाल खरीदी वहां पर शुरू हो गई, लेकिन जिले के बाकी जो खरीदी केंद्र है जैसे सुंदरसी है, रणथंभौर है, वहां फिलहाल कुछ परेशानियां हैं। फिलहाल वहां पर खरीदी केंद्रों पर खरीदी बाधित है, हालांकि अधिकारी लगातार वहां पर किसानों से संवाद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि खरीदी सुचारू रूप से शुरू हो। लेकिन ललित, जिस तरीके से तेज गर्मी पड़ रही है और किसान सुबह से अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में अधिकारी भी चाहते हैं और किसानों का गुस्सा अपनी जगह है, अधिकारियों के मापदंड अपनी जगह है, तो दोनों के बीच मामला उलझा हुआ और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां एक नक्सल को गिरफ्तार किया गया है। कटे कल्याण इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। नोडनार के जंगल में घेराबंदी कर इसे पकड़ा गया है। कई मामलों में वांटेड था, लगातार तलाश की जा रही थी। आखिरकार कटे कल्याण के नोडनार के जंगल में इसे पकड़ लिया गया। इधर रायपुर में टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर हमला किया है। कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, बांध बांध कर उन्हें चुनाव लगाया जा रहा है। राजस्व मंत्री हैं टंकराम वर्मा, उनका बयान है बैलेट पेपर वाले बयान पर, उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
कि लखमा को भी कैंडिडेट बनाया गया था बस्तर लोकसभा सीट से, जैसी ही लिस्ट जारी हुई थी उनका भी विरोध हो रहा था। उन्हीं के एक नेता ने यह भी कहा है कि कवासी लखमा के झीरम हत्याकांड मामले में नार्को टेस्ट की जरूरत है, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और लोग कांग्रेस को छोड़ करके भाग रहे हैं। आप न्यूज में देखते होंगे कि यहाँ सम्मेलन हुआ तो हजार कार्यकर्ता शामिल हुए। अच्छा, जो शामिल हो रहे हैं उसमें कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी हैं और पंचायती राज के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, सब कांग्रेस को छोड़कर के भाग रहे हैं। बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता हैं जगदीश प्रसाद कौशिक, वो आमरण अनशन कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है उनके आमरण अनशन का। जगदीश प्रसाद का कहना है कि देवेंद्र यादव का टिकट कटने तक वो इसी तरह अनशन पर बैठे रहेंगे। कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक के आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। 24 घंटे का वक्त बीत चुका है और आप देख सकते हैं कि अब भी वो उसी जगह पर मौजूद है और उनकी यही मांग है कि बिलासपुर लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया, और इसी मांग को लेकर वो यहां पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार उनको मनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस नेताओं के द्वारा की जा रही है। क्या बात हुई किसी से, कोई बातचीत हुई कांग्रेस नेताओं से? देखिए, ये इसी तरीके से कल से जब से बैठे हैं वो इसी तरीके से मौन है, कुछ भी कहना नहीं चाहते, और यदि कह भी रहे हैं तो इस तरीके से उन्होंने अपनी मांगों को यहां पर चस्पा कर दिया है। बिलासपुर लोकसभा सीट से मुझे प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया, मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई, पार्टी हाई कमांड समाधान करे, और यही बात को लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं भूपेंद्र यादव जी। यादव जी, क्या ऐसी कमी रह गई पार्टी में कि प्रत्याशी स्थानीय नहीं है और यही मांग उठ रही है अब? हम ये मांग पार्टी से कर रहे हैं तो उनका समाधान होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर जीतने वाला कैंडिडेट नहीं है यादव में? और उसके बारे में पार्टी ही सोचेगी और उनके पास रिपोर्ट जो गई होगी उनके अनुसार वो लोग निर्णय लिए होंगे। बिल्कुल, चलिए, ये तो कांग्रेस नेता भुवनेश्वर यादव हैं, पूर्व में यहाँ कोटा विधान बेलतरा विधानसभा चुनाव से मैदान में चुनाव लड़े थे, हालांकि उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जगदीश कौशिक जो है अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, अब तक के कोई पार्टी हाईकमान से इनके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं आया है और इनकी मांग यही है कि प्रत्याशी चयन को लेकर एक बार कांग्रेस हाईकमान विचार करे ताकि इनकी जो मांग है वो पूरी हो सके। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। शाहजहांपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है।